नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मंथली प्रेडिक्शन फॉर फेब्रुआरी 2020 फॉर मीन लग्न, स्पाइसिस एसेंडेंट के लिए, मीन लग्न के लिए फेब्रुआरी का महीना कैसा रहेगा। देखिए, इस्तेमाल करता हूं शब्द लग्न। आपके बहुत सारी कुंडलियां हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, जब ऐसे वीडियो आप देखते हैं तब उसके थीम समझने की कोशिश करिए। एस्ट्रोलॉजर अपना वक्त खराब नहीं करता, न ही आप खराब करते हैं। बेसिकली आपको एग्जैक्टली वो चीज देखना चाहिए जो चीज आपके लिए है। आपके बहुत सारी कुंडलियां है, उसमें से लग्न कुंडली को रिकग्नाइज करिए सबसे पहले। और पहले घर में 12 लिखा हो, पहले घर में 12 लिखा है, इसका मतलब है कि आपकी 12वीं राशि है जो आपका लग्न है। 12वीं राशि मीन राशि है, सबसे लास्ट राशि ये मीन राशि। और मीन राशि है 12 लिखा है आपके लग्न में, तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको स्टॉप कर दीजिएगा। बेसिकली आपका जो लग्न है इसमें गुरु का ज्ञान और शुक्र की मस्ती दोनों। लग्नेश आपके कर्मस्थान में आया हुआ है, हंस योग बना हुआ है। आने वाले एक साल में देखिए, ये आपको, आप जहां भी नौकरी करते हैं वहां आपका अथॉरिटी बढ़ाकर छोड़ेगा। आप नौकरी कर रहे हैं और आप बिजनेस को प्लान करना चाहते हैं, यू कैन डू, आप कर सकेंगे। आपका लग्नेश कर्मस्थान में है, लग्नेश कर्मस्थान में आया, ये कहीं ना कहीं देखिए आपके ओल्ड एज को भी प्लानिंग करके देगा, नए घर का योग भी बनाएगा। ये सब आपके फोर्थ हाउस में राहु है, फोर्थ हाउस में राहु है, ये श्रापित घर हाथ में मिल सकता है ऐसे टाइम में। यानी कि देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि चतुर्थान में राहु, मतलब ये भले उच्च का राहु है, गुरु से भ्रष्ट है, लग्नेश गुरु के साथ है। देखिए लग्नेश को केतु के साथ है, अमृत पिला रहा है गुरु को। वेरी फर्स्ट थिंग, आपका हाथ से बहुत सत्कर्म होने वाला है 2020 के दौरान। ये लग्नेश 10th हाउस में है, उसका फल है आपका। शुभ कार्य होंगे आपके हाथ से, घर का नया योग बनेगा। 3 ग्रह आपके इस वक्त ट्रांजिट में, जो आसमान में, मंगल स्वगृही है, गुरु स्वगृही है और शनि भी स्वगृही। 3 ग्रह स्वगृही है अपने ही घर में। एटलीस्ट जो ग्रह अपने घर में होता है वो अपने लिए, खुद के लिए बहुत लाभदायक है। ये पिता से जुड़ने वाली बात है, लग्नेश कर्मस्थान में होना कर्म प्रधान बनाता है इंसान को। आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो कर सकेंगे। और ये फोर्थ हाउस का राहु श्रापित दोष वाला घर दिला सकता है। इसके लिए देखिए, एक उपाय ये है कि कोई ना कोई अगर जो घर का योग है, तो बिना एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस, मतलब पर्सनली कोई एस्ट्रोलॉजर अगर आपके घर के आजू बाजू है, साउथ वेस्ट फेस नहीं लेना है, 4 नंबर का घर नहीं लेना है, 13 नंबर, 4 नंबर, 22 नंबर, ये राहु का आंकड़े में आता है। राहु का आंकड़ा जिसको हजम होता है उसी को हजम होता है। राहु का आंकड़ा देखिए 13 नंबर, 22 नंबर, 31 नंबर, सिर्फ 4 नंबर, ये राहु का आंकड़ा है। यानी कि साउथ वेस्ट का घर हो, 4 नंबर का घर हो, ऐसा घर को टालना चाहिए। कोई भी ज्योतिष आपके घर के नजीक हो, उसको वास्तु दिखाने के बाद ही घर लीजिएगा। थोड़ा मोड़ा, छोटा मोटा भी नॉलेज वाला आदमी, ये कंफर्म, मैंने एक वास्तुशास्त्र का वीडियो बनाया, प्लीज उसको चेक कर लीजिएगा। जिनके लिए ये घर का मामला, देखिए कर्मस्थान में आया हुआ गुरु, नए घर का योग बनाए गए, घर में कोई ना कोई शुभ प्रसंग निर्माण होने ही वाला है आपके, क्योंकि गुरु की आस्पेक्ट आपके चतुर्थान पर है, यानी कि घर में कुछ ना कुछ शुभ करेगा। ये राहु की दादागिरी अभी चलेगी नहीं। राहु जब गुरु के साथ हो, गुरु की दृष्टि में हो, साथ हो तब तो ठीक है, बट अगर गुरु की दृष्टि में हो तब राहु जरा भी नेगेटिविटी का, ये पूरी गुरु के कंट्रोल में है वो। यानी कि राहु की नेगेटिविटी कम होती है गुरु की आस्पेक्ट से। आपके चतुर्थ में राहु है, विष्णु सहस्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाते रहिएगा हर अमावस को। देखिए 24 जनवरी को अमावस है, बाद में 23 फरवरी को अमावस, 23 फरवरी को अमावस के दिन बहते जल में नारियल को बहाइएगा। इस महीने आपका ये फोर्थ हाउस का राहु कहीं ना कहीं माँ का, आपकी मम्मी की तबीयत का ख्याल रखने का सुझाव दे रहा है। लग्नेश दशम में पिता से जाना, कहीं पिता से कुछ मांगना चाहते हैं तो इस साल पिता से मांगना है, पिता का आशीर्वाद लेना है, पिता की सेवा करने का ही लिए ये भगवान ने बहुत अच्छा समय आपको दिया है। लग्नेश दशम में पिता को प्रसन्न करने का समय है और ये ओल्ड एज को प्लान करने का है, गुरु की आस्पेक्ट आपके चतुर्थान पे। ये लाभस्थान में शनि है, आने वाले 2.5 साल में आप बहुत लंबे समय तक रहे ऐसी संपत्ति जमा करेंगे आप आने वाले 2.5 साल में। शनि जो लाभस्थान में आया, शनि लाभस्थान में आता है तो कभी कभी मित्र जो है, दोस्त है, वो कभी कभी मिस एडवाइस करते हैं। दोस्तों की एडवाइस से बच के रहिएगा। 11वें स्थान का शनि मित्र बेवकूफ बनाते हैं दोस्त, उससे केयरफुल रहिएगा। लेकिन एक लंबे टाइम तक
शनि ग्यारहवें स्थान में, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला पैसा या चलने वाली प्रॉपर्टी आपके हाथ आने वाला है, ये ग्यारहवें शनि के कारण। ग्यारहवा शनि बहुत अच्छा माना जाता है। गुरु कर्मस्थान में बहुत अच्छी चीज बता रहा है। अभी इस महीने को मैं तीन हिस्से में बांट सकता हूं आपका प्रेडिक्शन के लिए। 19 जनवरी से 2 फरवरी कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ में आनंददायक पोजीशन है, यानी कि यू विल बी, आप काम धंधे में भी आप श्योर टेम्पररी बहुत रेस्ट पाएंगे, यानी कि काम धंधे में आपका, मैंने बोला कि आपके कर्मस्थान में लग्नेश दशम में आया ही, यानी आपके आपके लिए लकी टाइम है। इसमें भी पर्टिकुलरली 19 जनवरी से 2 फरवरी तक में आपकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी, काम धंधा बहुत स्मूथली किया है आपने। 3 फरवरी से 18 फरवरी थोड़ा केयरफुल रहिएगा, थोड़े अपमानजनक सिचुएशन का थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामना आपको करना पड़ेगा। आपके पत्नी के परिवार में कुछ न कुछ शुभ प्रसंग निर्माण होंगे 3 फरवरी से 18 फरवरी में। 19 फरवरी से जो मैं लिखा हूँ 7 मार्च, दिस इज द लकी टाइम। हो सकता है आप नौकरी धंधे में, अगर आपको लगता है, देखिए प्राइवेट जो आजकल का जमाना है इसमें हायर एंड फायर का जमाना हो गया, यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो पहले के जमाने के एम्प्लॉयर नहीं है, ये मतलब नहीं तो कल से मत आओ बोलने वाले एम्प्लॉयर है, और इसके लिए एम्प्लॉय ने भी होशियार रहना है आपका लग्न दशम में। टेक द टाइम, इस टाइम में आपको इस साल प्रमोशन मिलना चाहिए और आपको लगता है सिचुएशन आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। 19 फरवरी से 7 मार्च विल बी द लकी टाइम। कोई ना कोई लकी ट्रैवलिंग में आप जाएंगे, हो सकता है आपको नई जॉब की ऑफर मिले, और 7 मार्च के बाद यानी कि 10-12 मार्च के बाद वो ज्वाइनिंग डेट भी मिल सकता है। आपके कर्म क्षेत्र में अगर नया बिजनेस आप करना चाहते हैं तो आप बिजनेस करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। देखिए 12th हाउस में कोई पापग्रह नहीं है, 12th हाउस में शुक्र है। 9 जनवरी से 18 फरवरी में व्हीकल के पीछे खर्चे होंगे, 12वां शुक्र एक्सपेंसेस करवाता है। 9 जनवरी से 18 फरवरी तक शुक्र आपके 12वें स्थान में, ये सेक्स लाइफ के लिए भी अच्छा है, मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा है। पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा 19 जनवरी से 2 फरवरी तक ये सेक्स लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम, कम से कम 2 फरवरी तक बहुत एंजॉय किया, और 18 फरवरी तक बीवी के पीछे या कोई ना कोई फैशनेबल चीज के पीछे आप खर्च करेंगे। स्टूडेंट है तो देखिए ये हंस योग का फायदा लीजिएगा, आपके खुद की प्रतिष्ठा आप बचा पाएंगे। इस महीना भी ये काफी अच्छा रहेगा। सिर्फ आपको 19 फरवरी से 7 मार्च में थोड़े केयरफुल रहना है, अपने अपमान आपको केयरफुल रहने की बात है, तो आपके लिए कुछ और नॉलेजेबल चीज आपको सीखने को मिलेगा 19 फरवरी से 7 मार्च में। आपको अपमानजनक सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा 3 फरवरी से 18 फरवरी में। सूर्य आपके 11वें स्थान में, तब तक प्रॉपर्टी का जो भी मामला है, रजिस्ट्रेशन का ये हो वो सब आप कर सकेंगे। पप्पा के साथ का, मैंने पप्पा का सेवा करने के लिए ये साल आपको मिला है, डैडी की सेवा करिएगा इस साल। आपके पप्पा अगर उम्र में बड़े हैं छोटे हैं, जो भी एज के डैड है, आपके डैडी के साथ ये टाइम बिताने के लिए एक अच्छा समय साबित होगा। और 12वां सूर्य 13 फरवरी से हो रहा है 13 मार्च तक, ये कहीं ना कहीं 13 फरवरी से 13 मार्च तक सरकारी कामकाज में कहीं ना कहीं रोड़े डालता रहेगा आपके। आपका कामकाज अगर गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड है तो 13 फरवरी से 13 मार्च में सरकारी कामकाज की वजह से आपको ट्रबल हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 3 फरवरी से 18 फरवरी में थोड़े अपमानजनक सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ेगा, यानी कि कामकाज का बहुत ज्यादा होगा, बट आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। कुंभ का बुध है, देखिए मैरिज लाइफ का स्पाउस एक्सपेंसिव हुआ है। 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक बुध 12वें में, सप्तमेश 12वें में, सप्तमेश का 12वें स्थान में जाना, यानी कि पत्नी और एक्सपेंसिव, पति या एक्सपेंसिव, ऐसे भी आपका स्पाउस कंजूस बहुत है, बजटिंग का मास्टर है, और ये अभी एक्सपेंसिव पे आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं घूमने फिरने का या पैसा खर्च करने की बात है। सप्तमेश 12 में है, यानी कि देखिए शुक्र भी 12 में, कहीं ना कहीं गुप्त संबंध बनने के भी योग बुध 12 में है, तब तक बना के देते हैं। सप्तमेश 12 में हो तो विवाह वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ ज्यादा गुरु कृपा है पूरे साल के लिए, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन पत्नी के साथ विवाद में न उतरने में मजा है। पत्नी यानी टॉकेटिव या बोलना है, व्यवहारिकता है, 6वीं राशि है, कन्या राशि स्वामी बुध है, बुध 12वें में है, तो ये एक्सपेंसिव रहेगा वाइफ के लिए। कोई ना कोई कार है आपके पास, व्हीकल है, वो खर्च साबित होगा 18 फरवरी तक। 19 फरवरी से देखिए लग्न में आया हुआ शुक्र 28 फरवरी तक खुद के लिए पैसा वापरने का जो आनंद है वो शुक्र आपको देगा। 19 फरवरी से 28 फरवरी में जो पैसा वापरते हैं, देखिए 12वां शुक्र भी पैसा खर्च करवाता है,
लेकिन ये परिवार के लिए, पत्नी के लिए पैसा खर्च करने की बात है, कार के पीछे, व्हीकल के पीछे खर्च होगा। 19 फरवरी से 28 फरवरी खुद के लिए पैसा खर्च करने का है, यानी कि आप आपके अपने लिए शॉपिंग करने के चक्कर में रहेंगे। 29 फरवरी से 27 मार्च धनस्थान में आया हुआ शुक्र, ये भी अच्छा रहे। देखिए ज्यादातर में शुक्र देखिए लग्न में उच्च का हो जाएगा आपके लिए, गुरु अपने ही घर में और शनि भी अपने ही घर में, तीन ग्रह बहुत मजबूत हो रहे हैं आपके लिए लग्न का, कर्मस्थान का और लाभ स्थान का। प्रॉपर्टीज में अगर आपको चेंजेस करनी है तो मैंने बोला ऐसा छोटा मोटा नॉलेज भी रहेगा तो आपके हाथ में श्रापित प्रॉपर्टी ना आए उसकी केयर करिएगा। ऐसे टाइम में फोर्थ हाउस का राहु कभी कभी रोल करता है और इसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा। मन के अंदर देखिए राहु कहीं ना कहीं चतुर्थ में है तो मातृपक्ष से दुख देने वाला ग्रह है ये, मातृस्थान में ये कहीं ना कहीं माँ से शिकायत करेगा। हेल्थ के लिए थोड़े केयरफुल रहिएगा, पर्टिकुलरली मम्मी के हेल्थ के लिए, मतलब इग्नोरेंस नहीं किया जा सके। डैडी का साथ लग्नेश दशम में कर्म प्रधान चार्ट बना हुआ है, अभी आपका हाथ में अगर बिजनेस प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हेड आप आपका बिजनेस को प्लान कर सकेंगे। देखिए मैं और एक चीज बताता हूँ आपको, लोग आप बहुत गज केसरी योग के बारे में सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं आप गज केसरी योग के बारे में, गज केसरी योग के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग है, बहुत बड़ा कोई योग है जिसके बारे में कंफ्यूजन निर्माण करते हैं ये लोग। कभी कभी अचानक आप पेपर में पढ़ते हैं कि आप गज केसरी योग है, आप गोल्ड खरीदिए, पीले कलर की चाप धातु खरीदने से बहुत लाभ होता है। हर महीने में चार गज केसरी योग बनते ही, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनते हैं। देखिए अभी चंद्र मेष राशि से शुरुआत हो रहा है, यानी कि चंद्र यहाँ है, दो दो दिन से चंद्र आगे आगे बढ़ता है, एक एक राशि में आगे आगे बढ़ता है। देखिए लॉजिक समझने की कोशिश करिए, गुरु से केंद्र में चंद्र जब भी आता है, यानी कि गुरु से केंद्र में कब होगा, मीन में होगा चंद्र, मिथुन में होगा, कन्या में होगा या गुरु के साथ होगा, तब गज केसरी योग बनता है। यानी कि सवा दो दिन ये, सवा दो दिन ये, सवा दो दिन ये और सवा दो दिन ये, कम से कम 9 दिन का गज केसरी योग का होता ही है, हर महीने में बनते हैं। अभी गुरु के साथ या कहीं ना कहीं देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ, ये महीने में गज केसरी योग बनेंगे 7 तारीख, 13 तारीख, 20 तारीख और 27 तारीख, ये चार गज केसरी योग बनेंगे ये महीने। गुरु और चंद्र का 180 डिग्री से, गुरु धनु में, चंद्र मिथुन में, यानी कि ऐसा सामने होगा घर के सामने और कर्मस्थान में। यू विल बी हैप्पी एट होम, घर में बहुत खुशियां आएगा, ये फाइनेंशियली घर में कबाड में कहीं ना कहीं पैसे भरने का टाइम है ये, तो फाइनेंशियली ये दिन अच्छा रहेगा। 13 तारीख ये गज केसरी योग बना है आपके सप्तम स्थान के साथ, यानी कि वैवाहिक जीवन के लिए जो मैं बोल रहा था वो टाइम है, ये भी गज केसरी योग शुभ है आपके लिए। 20 तारीख का तो आपके कर्मस्थान में गज केसरी योग बना, ये भी टाइम अच्छा है आपके लिए। और 27 फरवरी का जो गज केसरी योग बना है वो लग्न और इधर से बना, ये सबसे अच्छा योग बना 27 फरवरी। तो ये चार गज केसरी योग बन रहे हैं, दो दो दिन का गज केसरी योग बनता है। जो लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं आता उन लोगों को लोग ऐसा बोलते हैं, उन लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है, आप लोगों को गज केसरी योग माने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यहाँ बहुत सारे चार्ट में गज केसरी योग होता ही है। गज केसरी योग माने देखिए चंद्र का मतलब होता है बहना, पानी है, चंद्र मतलब बहना पानी, और गुरु मतलब पैसा, पैसे का बहना होता है पैसा, गुरु माने पैसा, गुरु माने बड़ी चीज, गुरु माने पीला चीज। तो लोग ऐसे दिनों में ज्यादातर गोल्ड खरीदने को इंसिस्ट करते हैं चंद्र गुरु गज केसरी योग के लिए, तो ज्यादातर ऐसे योग बनते ही रहते हैं। इसमें ज्यादातर ये देखते हैं कि चंद्र के आजू बाजू कोई ग्रह है कि नहीं, चंद्र के ऊपर कोई ग्रह का एस्पेक्ट है या नहीं, ये काफी डिबेट का विषय है। फिर भी महीने में चार योग बनाता ही है और ये चार दिन गज केसरी योग की ताकत से आपके दिन अच्छे रहेंगे। मैंने बैड डेज मार्क किया है आपके लिए ये महीने का। देखिए बैड डेज का मतलब क्या होता है मैं वो भी समझा पाऊंगा। आपका मीन लग्न है, यानी कि बहुत फ्लावरी लग्न है, बहुत ही मौजी हैप्पी लग्न है, जिसमें गुरु का ज्ञान शुक्र की मस्ती दोनों है। ये लग्न में 6, 8 और 12वां स्थान, कोई भी कुंडली में 6, 8, 12वें स्थान में जो भी राशि है, जैसे यहाँ सिंह राशि है या तुला राशि है या कुंभ राशि है, सिंह तुला और कुंभ राशि में जब भी चंद्र आए वो आपके लिए बैड डेज, बैड डेज मतलब मानसिक तनाव के दिन। तो ये बैड डेज देखिए 10 और 11 फरवरी को बनता है, 6वां चंद्र है ये। इस दिन में देखिए जिसकी प्रकृति एज ज्यादा हो तो सर्दी कफ बीमारी, ठंडी से होती हुई बीमारियां हो सकती है, और ऐसे भी देखिए जनवरी महीना है, फरवरी महीना है, ठंडी काफी पूरे देश में ठंडी है काफी, तो ये हेल्थ के लिए कम से कम ठंडा पानी ना पिए, हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, शरबत बरबत ना पिए। जैसे आनंदित, जैसे चंद्र से
कोल्ड कफ बीमारी इससे होती है, वो बीमारी को सावधान रहे। 50 से ज्यादा उम्र है उनको केयरफुल रहने की जरूरत है। जो 50 से कम है इनको मानसिक परिताप हो सकता है अपने कर्मस्थान के हिसाब से। चल पंचम है, छह में है, बच्चों के साथ विवाद में नहीं उतरिएगा। पंचम स्थान का स्वामी बोल के चंद्र छठे स्थान में, संतान के साथ विवाद में न उतरने में लाभदायक रहेगा आपको। 14 और 15 फरवरी अष्टम स्थान में चंद्र, यानी कि ये है ज्यादा सेंसिटिव हो के कहीं ना कहीं आपके आपको ये मानसिक तनाव में डाले, ये मेंटली कहीं ना कहीं अपमानजनक सिचुएशन में चले जाएंगे। 14 15 फरवरी भी आपके अगर बॉस के साथ, देखिए आपको मैंने बोला कि आपको टाइम अच्छा है, आप बॉस के साथ इंक्रीमेंट के लिए बात कर सकते हैं, प्रमोशन के लिए बात कर सकते हैं। 14 15 फरवरी को आप कर सकते हैं, चंद्र 14 15 फरवरी को आप रुकिए, इस दिन ये डिसीजन नहीं लीजिएगा। आपको वो डिसीजन लेना है तो देखिए ये दिन लीजिएगा, 27 फरवरी को ले सकते हैं, या इन दिनों में से कोई भी दिन, देखिए जहां भी धनु राशि है। और ये देखिए 20 फरवरी विल बी द बेस्ट है, 20 फरवरी विल बी द बेस्ट है। आपके 10th हाउस में ही चंद्र गुरु का गज केसरी है, पंचमेश भी दशम में है, सब कुछ बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो आप उस दिन ले सकते हैं। 14 और 15 तारीख को टालिएगा, फिर 23 और 24 फरवरी 12वां चंद्र, चंद्र जहां है वहां महीने में वापस वहां, फिर गज केसरी योग बनाता बनाता आगे चलेगा। 12वां चंद्र है 23 और 24 फरवरी को, ये दिन जल्दी टेम्पर्ड गवाते हैं, यानी कि सामने से चल के ये टेंशन में रहेगा। इस दिन शांति से अपना ऑफिशियल काम निपटाइएगा, कोई पर्सनल काम करने का या ऑफिशियली काम, देखिए 12वां शुक्र भी है, 12वां शुक्र औरतों के पीछे खर्चा करवाता है 18 फरवरी तक। अभी 18 फरवरी जा चुकी है, 23 और 24 फरवरी लग्न में शुक्र आ चुका है, लग्न में आया हुआ शुक्र कहीं ना कहीं देखिए म्यूजिक के प्रति आकर्षण देता है, शॉपिंग, सुंदर कपड़े, सुंदर परफ्यूम्स खरीदना, ये सब शुक्र के उच्च के दरमियान 19 फरवरी से 28 फरवरी में ये सब करवाएगा। और 12वां शुक्र भी दूसरों के पैसे से आनंद करवाता है, बट कहीं ना कहीं मैंने बोला ऐसा ऑटोमोबाइल व्हीकल के पीछे खर्च करवाता है। 23 और 24 फरवरी कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव रहेगा, मन के विपरीत ये घटना काम करेगी। और मुझे मैंने बताया कि मेरा एक वीडियो है वास्तु के वाला, उसको देखिएगा, और अगर वो उसमें भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई ना कोई देखिए एस्ट्रोलॉजर को घर पे ला के, कोई भी वास्तु वाला है, ज्यादा चार्जेस नहीं होते हैं ये लोगों के, घर के आजू बाजू सिर्फ उत्तर कुछ दिशाएं जान लें। बेसिकली देखिए आप मेरा वास्तु का वीडियो देखेंगे, वास्तु शास्त्र का, आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि मैं किस तरह से साउथ वेस्ट को देखता हूँ, साउथ वेस्ट को, साउथ फेस्ट को, साउथ फेस्ट का भी घर नहीं लेना चाहिए। अगर साउथ फेस्ट का घर है तो देखिए उसमें हम ज्यादातर ये प्रीफर करवाते हैं, मेरा वास्तु का वीडियो देखिएगा, फीमेल्स को ज्यादा सेट होता है, यानी कि ऐसे टाइम में राहु चतुर्थ में है तो मन से दुखी करवाता है और ऐसा गलत वास्तु हाथ में आता है। और विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा जब तक कि राहु आपका फोर्थ हाउस छोड़ता नहीं, फोर्थ हाउस छोड़ के राहु और केतु हमेशा उल्टा चलते हैं, बाकी सब ग्रह देखिए सूर्य और चंद्र कभी भी मार्गी होते हैं, यानी कि ऑलवेज 10 राशि से वो 11, 11 से 12, 12 से 1, 2, 3 ऐसा ही सभी ग्रह चलते हैं। सूर्य चंद्र कभी वक्री नहीं होते और राहु केतु कभी मार्गी नहीं होते, राहु केतु ऑलवेज रेट्रो होते हैं, यानी कि कभी 3 से 4 में नहीं जाते, सभी ग्रह 3 से 4, 4 से 5 में जाते हैं, बट राहु और केतु जैसे ग्रह 3 से 2 में जाते हैं। जैसे कि ये ग्रह केतु है धनु राशि का, तो केतु 9 से 10 में नहीं जाएगा, 9 से 8 में जाएगा, ऑलवेज केतु रेट्रो घूमता है, ध्यान में रखिएगा। आपके कर्म स्थान में आया हुआ मंगल भी 8 फरवरी से 21 मार्च में आपके कर्म स्थान में आया हुआ मंगल भी आपको एनर्जी से भरपूर कर देगा। आपके कर्म स्थान में मैंने बोला ऐसा प्रमोशन का वक्त है, बी केयरफुल, सिर्फ जिस दिन को टालिएगा जो मैंने बोला आपको, 3 फरवरी से 18 फरवरी का दिन को टालिएगा, बाकी आपको 19 जनवरी से 2 फरवरी में आपका ऑथोराइज प्लेस पर आप गए ही है, 19 फरवरी से 7 मार्च में आप कुछ ना कुछ नया लर्न करेंगे, हो सकता है आपके बच्चों के बच्चों से आपका जीवन जुड़ने लग जाए और कहीं ना कहीं उसकी गुड न्यूज आपको कुछ ना कुछ उसके अच्छी तरक्की की, अगर उम्र ज्यादा है तो उसकी तरक्की का अनुभव मिलेगा आपको, अगर आप स्टूडेंट है तो ये महीना नहीं ये साल पूरा आपके लिए अच्छा है, आपकी प्रतिष्ठा बरकरार रख पाएंगे आप। और देखिएगा मैंने कर्मस्थान में अगर आप झगड़ा महसूस करते हैं, वन मोर थिंग, कर्मस्थान में देखिए 8 फरवरी से 21 मार्च कर्मस्थान में मंगल आ रहा है, अगर आपके कर्मस्थान में कहीं ना कहीं झगड़ा झगड़ी महसूस करते हैं आप, और देखिए 3 फरवरी से 18 फरवरी में आप, हो सकता है कर्मस्थान में आप झगड़ा झगड़ी वाला वातावरण महसूस करें, अगर ऐसा है
तो देखिए गणपति का गणेश गायत्री मंत्र और गणेश सहस्त्रनाम करिएगा, गणपति जी का अर्ध अथव शिष्य वो करिएगा, और गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइएगा, कहीं भी गणेश मंदिर हो उसमें लड्डू वहाँ रख दीजिएगा, लड्डू का भोग लगाइएगा गणेश जी को, लड्डू जो है गणेश जी को बहुत प्रिय है, और मंगल का यानी कि गुड़ का दान करिएगा, मंगल आपके कर्मस्थान में आया है, गुरु के साथ है, वेरी एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक बनाएगा ये आपको, बट 3 फरवरी से 18 फरवरी थोड़े केयरफुल रहने की जरूरत है, आपके पर्टिकुलरली कर्म क्षेत्र में केयरफुल रहिएगा, और प्लीज मार्क कीजिएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, थैंक यू वेरी मच।